हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व में साइक्लॉइड। ठीक है, तो साइक्लॉइड को किस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है, वो देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले साइक्लॉइड का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्वेश्चन में दिया होगा कि साइक्लॉइड का इक्वेशन है, इसको ड्रॉ करो, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करो। तो ड्रॉ करने आना चाहिए हम लोग को। तो साइक्लॉइड का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टीटा साइन टी एंड वाई इक्वल टू क्या दिया होगा, ए वन माइनस वन प्लस या वन माइनस कुछ भी कॉस टी। इस तरह से अगर दिया है तो ये मेरा साइक्लॉइड होता है। देखो यहाँ पे कॉस हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, और यहाँ पे प्लस है माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस है माइनस हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी होगा, डायग्राम बनाने का रूल एक ही है, ठीक है, डायग्राम बनाने का रूल एक ही है, ठीक है। तो रूल क्या है डायग्राम बनाने का, एकदम सिंपल है। हमें एक्स वाई का पॉइंट निकालना है, बस एक्स वाई का पॉइंट निकालना है। कैसे, हम लोग उसमें एंगल पुट करेंगे। एंगल इसमें आप लोग पुट कर सकते हो पाए जीरो, एक काम करो, बहुत सारी चीज़ें पुट कर सकते हो, जीरो पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, टू पाई पुट कर सकते हो, ठीक है। तीन पॉइंट निकालना है, छह पॉइंट भी निकाल सकते हो, हम लोग तीन पॉइंट पे फोकस करेंगे, तीन पॉइंट से डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो पुट कर सकते हो, पाई पुट कर सकते हो, टू पाई पुट कर सकते हो। लेकिन सबसे सिंपल क्या होता है पुट करने के लिए, हमेशा हर सम में साइक्लॉइड के जितने भी, उसमें डायरेक्ट पुट करना है आपको, माइनस पाई पुट कर देना, जीरो पुट कर देना एंड पाई पुट कर देना। ये पुट कर दोगे तो आराम से डायग्राम बन जाएगा, सारे सम में अप्लाई हो जाएगा, पाई माइनस पाई जीरो पाई, ठीक है। तो ये पुट करके हम लोग देखते हैं, माइनस पाई जीरो पाई, उससे डायग्राम बना के देखते हैं ये कैसा डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग माइनस पाई पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन में। तो यहाँ पे माइनस पाई पुट करूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, अगर इसमें माइनस पाई पुट किया मैंने तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा देख लेते हो सॉल्व करके। टी का वैल्यू माइनस पाए प्लस साइन माइनस पाए, ठीक है। तो क्या आएगा, ए माइनस पाए, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इतना आ गया। अभी साइन पाए जीरो होता है, साइन पाए साइन जीरो, साइन टू पाए साइन थ्री पाए, सब जीरो होता है, ठीक है। तो जीरो होता है तो बचेगा क्या, माइनस ए पाए बचेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस ए पाया। अभी वाई का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ए पुट किए, वन प्लस कॉस पाए, ठीक है, पाए कॉस पाए क्या होता है, माइनस वन होता है। तो माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ पे वन है तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो वाई का वैल्यू जीरो आया। तो मतलब माइनस पाए पे मुझे एक्स एंड वाई का पॉइंट कितना मिला, माइनस ए पाए एंड जीरो, मतलब माइनस पाई पे मुझे पॉइंट ए मिला, ठीक है। अब मैं क्या पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करके देख लेते हैं। तो जीरो पुट करूंगा तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट कर देते, साइन जीरो जीरो होता है, और यहाँ पे जीरो पुट किया टी के जगह पे तो जीरो आ गया, जीरो प्लस जीरो जीरो हो गया, और ए मल्टीप्लाई जीरो जीरो आएगा, मतलब इसका आंसर जीरो आया, एक्स का पॉइंट जीरो आया। अभी यहाँ पे जीरो पुट करते, कॉस जीरो वन होता है, वन प्लस वन इज टू, टू मल्टीप्लाई ए इज टू ए, तो ये पॉइंट मिला मुझे, जीरो पे मुझे ये पॉइंट मिला। अब मैं पाई पुट करूंगा, पाई पुट करने में क्या आएगा देख लेते हैं। साइन पाई मैंने बोला जीरो होता है, ठीक है, तो जीरो हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, पाई, तो ए पाई बचा, तो ए पाया एक्स का वैल्यू, एंड वाई का वैल्यू कितना आएगा, कॉस पाई कितना था, माइनस वन, माइनस वन माइनस वन मल्टी माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा, जीरो, ये जीरो आ गया, ठीक है। तो मुझे तीन पॉइंट मिल गए, तो ये तीनों पॉइंट को बस प्लॉट करना है, उसके बाद साइक्लॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं हम लोग, तीनों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा, माइनस ए, माइनस माइनस ए जीरो, तो माइनस ए यहाँ पे कहीं पे होगा एंड जीरो, माइनस ए पाए एंड जीरो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, एंड जीरो कॉमा टू ए, जीरो कॉमा टू ए यहाँ कहीं पे होगा ऊपर, जीरो कॉमा टू ए कि प्लस टू ए तो वहाँ ऊपर ही कहीं पे होगा, और ए पाए और जीरो है तो यहाँ कहीं पे होगा, ए पाए प्लस जीरो, सॉरी प्लस ए पाए एंड जीरो। यहाँ मैं ए पाए को कोई कांस्टेंट नंबर अज्यूम कर रहा हूँ उसको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, माइनस है, माइनस एक्स है तो यहाँ पे आया, प्लस एक्स है तो यहाँ पे आया, और प्लस वाई है तो ऊपर आया। तो तीन पॉइंट मिल गए, इसको ज्वाइंट कर दो, तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिए, ये बन गया साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है, सिंपल। माइनस पाई पुट करना है, पॉइंट निकालना है, जीरो पुट करना है, पॉइंट निकालना है, वाई पुट पाई पुट करना है, पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के बाद प्लॉट कर दो पॉइंट को, पॉइंट को, और तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दो, तो ये बन जाएगा साइक्लॉइड, ठीक है। तो इसके जगह पे अगर माइनस है तो भी चलेगा, रूल यही है डायग्राम बनाने का,
एंड यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है। तो साइक्लॉयड का इक्वेशन इस तरह से ही हमें बनाना है, ठीक है। और ये सिमेट्री होता है, ठीक है, सिमेट्री होता है मतलब ये एरिया दोनों सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइक्लॉयड का इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।